तो पटेलिया बसेस पैनो घाटी हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू होने वाला है कसाना पल्ला धुमाकोट में। क्या खोलेंगे छक्का चौका का बोरा सचिन बोरा। तो पटेलिया ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए हैं सचिन बोरा और कमल। जबरदस्त बल्लेबाज है दोनों ही, उभरते हुए बल्लेबाज नलाई के लिए कम सचिन। दर्शकों का मन कर रहा है, करता हूं आपका। तो गेंदबाजी का भार दिया गया है अर्पित को पैनो घाटी की ओर से। उभरते हुए खिलाड़ी अर्पित, सामने होंगे सचिन। सचिन बोरा तो चले अर्पित, खाता खोता हुआ पटेलिया का। तो कोई न जाए घर बने रहे लगातार। तो चले अर्पित, काफी लंबा बोरे रहा। सामने होंगे सचिन बोरा, क्या खुलेगा छक्कों का बोरा। फिलहाल चले अर्पित, हवा में और खतरा टला। एक रन बढ़ता हुआ स्कोर, दो रन एक रन के। अब इस टाइप में होंगे जर्सी नंबर दो कमलेश, जाते हैं अच्छे बल्लेबाजी के लिए। राइट आर्म ओवर विकेट सामने होंगे पहली बार कमू कमलेश, संभवतः जर्सी बदल दी। तो सचिन में ठंड का प्रकोप लगा था, बनियान नहीं छोटी इनकी भी। फिलहाल चले अर्पित, किनारा वहां पे एक रन चुराया, बढ़ता हुआ इसको तीन रन। पहला ओवर प्रगति पर, तो अच्छी गेंदबाजी, स्वागत है आपका। तो पैनो घाटी की ओर से लगातार अच्छी गेंदबाजी अर्पित के द्वारा, अर्पित बोल्ड कर दिया इस बार सचिन को। तो जबरदस्त गेंदबाजी अर्पित के द्वारा, अर्पित बड़ा विकेट दिलाया सचिन बोरा का, बोरा किया बंद। छक्का चौका का सील पैक किया अर्पित ने। तो चले अर्पित, राइट आप ओवर और रखिए अर्पित के द्वारा। हरमन बोला खिलाड़ी उमरते हुए सितारी पहले बाजी के लिए, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल चले अर्पित, राइट आप ओवर रह गए, अच्छी गेंद आगे। तो लाजवाब गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी तो करे पटेला एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज सचिन। तो जबरदस्त गेंदबाजी अर्पित के द्वारा, पटकी भी गेंद और सीधा छक्का। तो पहला छक्का लगता हुआ पटेला की ओर से, इसी प्रकार के छक्के लगाए थे सेमीफाइनल मुकाबले में पिछले साल 2022 में। चले राहुल, राइट आर्म राउंड भी अच्छी गेंद हवा में गेंद, क्या कैच लगा पाएंगे खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच छिटका और अंपायर का निर्णय चार रन। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। तो पहला जीवनदार मिलता हुआ पटकी गेंद खेल दिया फाइनल की तरफ, और जब तक ये गेंद खेल होती है आसानी से एक रन, इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। तो जवाब ऑलराउंडर, तो ये जो दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं पिछले साल राहुल क्लब को खिताब दिलाया था पंकज और कमली, साथ में खेला था और खिताब दिलाया था छिटोली में। फिलहाल चले राहुल और जबरदस्त गेंदबाजी, गेंदबाजी बड़ा झटका पंकज पैनो घाटी की ओर से। तो पंकज भाई भी आप डग आउट की तरफ। तो अब आए हैं पंकज धुमाकोट का पटियाला की ओर से। दो ओवर की समाप्ति पे दो विकेट के नुकसान पे पटेले का स्कोर 14 रन। इस ओवर के पराजय थे
परमिंदर रावत ऑफ द यूट्यूब चैनल का प्रकोप किसी में नहीं, हाई वोल्टेज मुकाबला। तो चले पंकज अच्छी गए भारी किनारा और फाइनल की तरफ और आसानी से एक रन होना किया पंकज ने। इसी एक रन के साथ बढ़ता है स्कोर 15 रन अभी तक। तो पटियाला के 15 रन और तीसरा ओवर अभी ऊपर गति पर है। लाजवाब तो जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक पैनो घाटी की ओर से। पंकज राय चाउंड राउंड दे अच्छी गेंद अच्छा शॉट लिख कर दिया है इस पर लेग की तरफ और दो रन आसानी से हो सकते हैं और चुराए। इन्हीं दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। तो पंकज ने भी अपना खाता खोला। पंकज जिसमें भाई फिर आते गेंदबाज पंकज खेल दिया फाइनल लेग की तरफ और जब तक ये गेंद फील्ड होती है आसानी से एक रन। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर दो विकेट घाम तारते हुए फटकना अच्छी गेंद राइट करार दिया अशोक ने बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर चले पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट लंबा छक्का इस बार काफी लंबा और कमलेश के बल्ले से गगन चुंबी छह की मंजूरी बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। गरज रहा है कमलेश का बल्ला तो चले पंकज विजय चुका दिया आई थी फाइनल की तरफ हवा में गेंद अंदर का निर्णय बाकी अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर उस तरह बॉल लंबी तो तीन रन चुराए और संभवतः चौथा रन भी चुरा लिया। इन्हें चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। इंद्र भाई अभी ना हो फरार तो चले पंकज राइट आर्म ओवर विकेट तीन ओवर 35 रन पटेलिया। तो अब हाथ खोल दिए हैं कमलेश ने धीरे धीरे करके दोनों बल्लेबाजों के लिए। तो अगले गेंदबाज अपना नाम बता दे पंकज तो आज क्या वो क्लास देखने को मिलेगी पटेले के लिए। तो ठंड का प्रकोप किससे देखने को मिलेगा पटेलिया या पैनो घाटी। तो कौन सा पी किस पे भारी पटेलिया या पैनो। फिलहाल चले अर्पित राइट आर्म ओवर द विकेट साउंड हो गए पंकज अच्छी है ये तरह आगे है सबसे बढ़िया गेंदबाज बढ़ता हुआ सितारा अर्पित उम्र छोटी लेकिन काम बड़े। बात की जाए सचिन बोरा तो आज उनका बोरा किया बंद। फिलहाल चले अर्पित भेजा लाजवाब शॉट कवर और लोगों के बीच में से अभी भी बॉडी लाइन के अंदर गेंद और 3 रन चुराए। तीन रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। चौथा ओवर प्रगति पर अर्पित के द्वारा कमले अभी तक पारा नहीं पड़ा अर्पित से इस ओवर का पहली बार। तो चले अर्पित राइट आर्म ओवर द विकेट अच्छी गेंद अच्छा शॉट और सीधे बल्ले से अंपायर का निर्णय आना बाकी अभी 39 रन पटेले का स्कोर चौथा ओवर अभी प्रगति पर और पंकज को अभी हाथ खोलने बाकी। या अन्य खिलाड़ी कोई डिसीजन नहीं स्वयं सेवक वहां से निर्णय देंगे। आचार्य अर्पित सामने होंगे पंकज अच्छी गेंद अच्छा सोवर सीधे बल्ले से और अच्छा क्षेत्र अच्छा तेज तर्रार तो बने रहे लगातार। चलिए अर्पित अभी लंबा बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट
अजिगेर अच्छा सौ अच्छा सभा और अच्छे बल्लेबाज की निशानी तो फ्लैश की गेम चार छक्के भी लगते हैं गोबर में ऐसी गेम, लेकिन अरविंद को लगाना काफी मुश्किल खेला और जोर को लाइन के बाल बाल बचे पटेले का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान में आउट होने वाले बल्लेबाज पहले बल्लेबाज सचिन बोरा मात्र 1 रन और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चले अनूप अनूप अरविंद अपने घोड़े का पहला पारी के लिए पांचवा अच्छे हवा में गेंद क्या कैच वहां पे हवा में गेंद जरूर थी पहुंच नहीं पाए थे क्षेत्र रक्षा पहुंचता हुआ इसको 40 रन पांच ओवर चलता हुआ तो ठंड का भागो आचार्य अरविंद अच्छी गेंद गुड गेंद समझ नहीं पाए पंकज तो कुछ चिंतित दिखा दिए वहां पे पवन भाई भी आप थोड़े पांचवा ओवर घुमाना चाहते थे 16 ओवर तो उनकी दवाई उन्हें खिला जा रही है फिलहाल जिस प्रकार की दवाई बल्लेबाज को पंकज खिलाते हैं वही दवाई खिला रहे अरविंद अरविंद राइट आर्म ओवर द विकेट छुटा दिया सीधे बल्ले से रोल की तरफ रिवी बाउंड्री लाइन के अंदर गए कितने रन ले पाएंगे 2 रन और 2 रन से संतुष्ट इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 42 रन विकेट के बीच में रन काफी स्लो भाग रहे दोनों बल्लेबाज आखी के नीचे रहती हुई खिला चले अरविंद राइट आर्म ओवर विकेट सामने हो गए पंकज आखी के समझ नहीं पा रहे लगातार भैया रिग्रह 2 विकेट के नुकसान में 5 ओवर 42 रन पटेलिया तो जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक पैनो घाटी की ओर से बांध के रखा हुआ है पटेलिया के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक राजू विकेट कीपर के रूप में ग्राम डगलगांव निवासी और इस गेंद को ढकेला ब्लॉक आउट में थी गेंद और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन प्राप्त कर लिए थे बल्लेबाज ने 44 रन कमलेश के लिए पटकी हुई गेंद और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन बाउंड्री से लगभग बाहर निकल गए थे 6 रन के लिए 50 रन पूरे हो चुके हैं पटेलिया के हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई एक बार फिर दूर वाली चोट से गेंदबाजी कर रहे हैं पटकी हुई गेंद मिस कर गए इस बार कमलेश तो 40 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं कमलेश एक तरफा टीम का कुल स्कोर 50 रन और 40 रन है कमलेश उर्फ कम्मू के और काफी बार 51 रन फिलहाल शनिवार 2 रन चोर से कमलेश के लिए काफी टप्पो में गेंद बाहर वाइड का इशारा था वह 52 रन अतिरिक्त रन टीम के खाते में आउट अपना छोर बनता राउट है इसका मांगे भाई आज के बल्लेबाज के लिए और इस गेम को धकेल दिया नीचे साइड का समाप्त 1 रन पूरा दूसरे रन के लिए भागे हैं काफी तेज अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला इस बार काफी देर बाद पवेलियन चोर से एक बार फिर गेंदबाजी के बाद पटकी हुई गेंद और सीधा 6 रन के लिए निश्चित तौर से और जैसे बार बार कहा गया है कि कमलेश एक जानदार और शानदार खिलाड़ी है एक पावर जनरेट करवाते हैं फिलहाल लंबा एक और शॉट और सीधा 6 रन तो लगातार 2 छक्के पूरा उनका तो बहुत बधाई कमलेश भाई उर्फ कम्मू को अर्धशतक पूरा उनका जिसकी जरूरत थी अभी बल्लेबाजी कमलेश के पे अर्धशतक पूरा किया है 15 बॉलों में अर्धशतक पूरा कर दिया जवाब बाजी उनके द्वारा यह क्या दिखते हैं काफी शानदार खेल यहाँ पे घटाया और इसके गोहर के हाथों से इसे ड्राइव किया था जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन और लंबा शॉट
बहुत दूर चली गई है गेंद, जबरदस्त छक्का। कोई भी कह सकते है कि ये 6 रन है, 6-73 तो 73 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अरविंद भाई धन्यवाद भाई, तो कमलेश अब धीरे धीरे हाथ खोलते हुए अपने स्पेल का 200 ओवर लेके आए हैं। पटकी हुई गेंद और फिर से लंबा छक्का, छक्कों की बरसात। हालांकि बारिश काफी दूर दूर तक नहीं, लेकिन यहाँ पे छक्कों की बरसात। 3 छक्के 2 छक्के सो रहे अभी, और ये ऊंचा गया है खिलाड़ी के पीक बगल से। जब तक गेंद को दूर से फील्ड किया जाता तब तक 2 रन पूरे कर लिए गए, तो बता हुआ 81 रन। काफी अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। बीच में स्टॉक देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं बख सके कमल वहां पे कमलेश, और लगभग बाउंड्री के बाहर निकल गई गेंद 6 रन के लिए। तो एक और छक्का कमलेश के बल्ले से, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन। की पारी में अभी तक 9 छक्के पड़े हैं। सात ओवर 87 रन पटियालिया का स्कोर। आउट होने वाले बल्लेबाज अपने कोटे का पहला पारी के लिए 8वां। फटकी गेंद खेल दिया इसे थंडरबर्ड की तरफ, और जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन आसानी से 88 रन। अरविंद गेंद के लिए सीधे आगे द्वार, कोई न जाए घर, बने रहे लगातार ठंडी राइट आर्म ओवर के सामने कमली, खेल जा रही हवा में, क्या कैच लग पाएंगे विकेट कीपर, और क्या छूटा, और दूसरा रन चुराया वहां पे, और जीवन दान वहां पे रन। कमलेश के लिए तो किस्मत भी बहादुर का साथ, पकड़ो कैच जीतो मैच के पास, लेकिन वहां पे चूके विकेट कीपर, अच्छी गेंद इस बार, संभवतः अगर वो कैच पकड़ लेते तो खराब की तरह सड़का होगा भाई। फिर आ चले संधि, अच्छी गेंद इस बार, अगर कैच पकड़ लेते तो घामता से कम रही थी फिलहाल। चले संधि चुटा दिया इसे फाइनल की तरफ, अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद, और अरविंद गेंद के पीछे हर बार वाला खिलाड़ी आरपी, जबकि 90 रन की पार संदीप के द्वार, तो खोल लेंगे क्योंकि तीसरा भी बल्लेबाजी तीसरे विकेट के लिए लातरे संदीप, खेल जाए थे सीधे बल्ले से, समाप्ति पे 90 रन, 2 विकेट के नुकसान थे पटेलिया। गेंदे लाए भाई की पर्ची कटाए, अगले गेंदबाज पंकज राहुल आए हैं एक बार फिर से। अच्छी गेंद बीट किया इस बार कमलेश को, मना किया कमलेश ने, दूसरा पार के सामने में कमलेश, पटकी हुई बॉल और वाइड बॉल, समाप्त अगर बैटर बॉल का संपर्क होता तो सीधा फाइनल के ऊपर से छक्का। 91 रन इसी वाइड के साथ, और चुटा दिया काफी लंबा हवा में गेंद, क्या कैच लगा पाएंगे अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर, अंपायर का निर्णय 6 रन, ये 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन। पटेलिया 97 रन प्रगति पर, 9 ओवर प्रगति ले ले जा रहे हैं टीम को कमलेश, और बाउंड कर दिया इस बार, बड़ा झटका तीसरा झटका कमलेश, तो जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली कमलेश उर्फ कम्मू के द्वारा। अभी तक शानदार अर्धशतक मारा था, तो अगले बल्लेबाज तो बहुत बहुत बधाई उनको। दिक्की नए बल्लेबाज दिक्की, तो 98 में से 80 रन कमलेश के, अच्छी गेंद, तो 98 रन में से 80 रन कमलेश के, अच्छी गेंद नीचे रहती लगातार तोड़ के, इस ओवर में अच्छी वापसी, तो पटेलिया में भी लाजवाब गेंदबाजी, अच्छा स्कोर फिलहाल। चले राहुल, अच्छी गेंद है, अच्छा सवाल, 9 ओवर 98 रन 3 विकेट आउट हो रहा है बल्लेबाज, हम लोगों के पकड़
तो पंकज इस ओवर में जरूर अटैक करेंगे अब संदीप को। तो चले सदी अच्छी गेंद अच्छा शॉट अर्पित गेंद के नीचे और संभवता गेंद रोल के पार और दो रन यदि दो रन के साथ शतक पूरा 100 रन पूरे यहाँ पे पटेलिया के 101 रन कितने और रन बनाएंगे पंकज मेंदोलिया हिला चले और ब्लॉक खोल में गेंद लाजवाब गेंदबाजी आए थे लेकिन अच्छी वापसी ला चले सदी अच्छी गेंद अनियमित उछाल तो चले शांति अच्छी गेंद लगातार मिली खिलाड़ ओवर दिखे खेल रहे थे सीधे बल्ले से लेकिन वो टाइमिंग अभी भी नहीं को 102 रन अंतिम ओवर प्रगति पर फ्लैश की गेंद में 150-200 भी कम पड़ते हैं ऐसी गेंद और एक रन चुराया दूसरे के रूप में निकले और विकेट 103 रन 104 रन बनाने होंगे विक्की चौथा छटका 104 रन बनाने होंगे वहां पे तनो घाटी को 103 रन का यहां पे स्कोर खड़ा किया है पटेलिया ने। तो देखते हैं कैसा रहता आगे मैच। तो बने रहे आप रॉल की तरफ। तो 104 रन बनाने हैं यहाँ पे तो फ्लैट छक्का पेनो घाटी ने 104 रन बनाने हैं और पहली गेंद पे पहला छक्का यहाँ पे आता हुआ थोड़ा सा लेट में आया छोटी बाउंड्री स्टेट बाउंड्री फिर अच्छी गेंद ब्लॉक होल में वाइड करवा दिया वर्धा विद को 7 रन का रन रेट लेके चलना होगा पेनो घाटी को। अच्छी गेंद नीचे रहती हुई वहां पे अच्छी वापसी ठंड इतनी कि आधे आधे ठंडी हो गई चाय तो टॉट गई देखो राइट आप ओवर द विकेट और अतिरिक्त खिलाड़ी वो बाहर रहे खिलाते विनोद अच्छी गेंद अच्छा शॉट अच्छा क्षेत्र स्थान और एक रन चुराया बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। तो चले विनोद अच्छी गेंद अच्छा शॉट हल्के से स्टेट किया अच्छा सम्मान अच्छे बल्लेबाज की निशानी राइट आप ओवर द विकेट खेल जाए थे विनोद की तरफ और अच्छा क्षेत्र रहता है पंकज के द्वारा एक रन ओवर था स्कोर 9 रन पेनो घाटी का स्कोर 9 रन एक ओवर के बाद पहला पारी के लिए दूसरा। तो पंकज को लाया गया है गेंदबाजी में सामने होंगे सूरज गेंदबाज और इस गेंदबाज को कोई भूल सकता है जलाव खान में मुकाबला था 6 गेंदों में 8 रन चाहिए थे खिलेरी खान को और 8 रन नहीं दिए वहां पे पंकज ने फ्लैश की गेंद में लाजवाब गेंदबाज तो चले राइट आर्म ओवर द विकेट लेकिन खराब शुरुआत बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन खराब शुरुआत अरे पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट और सिंगल बॉल मैं पहले बता चुका हूं लाजवाब गेंदबाज तो पहला बड़ा झटका सौरभ के रूप में और पहला झटका दिया वहां पे पेनो घाटी को अगले बल्लेबाज सनी अगले बल्लेबाज सनी तो चले पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट राइट करार बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन पेनो घाटी को 104 रन बनाने हैं पेनो घाटी को चले पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट अच्छी गेंद अच्छा सम्मान के द्वारा लाजवाब सम्मान ला चले पंकज अच्छी गेंद भारी किनारा और एक रन चुराया इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन प्रगति पर तो लगभग 10.5 का रन रेट लेके चलना होगा तनो घाटी को और यह मुश्किल नहीं फ्लैश की गेंद में फिलहाल शुभकामनाएं दोनों टीमों के लिए बराबर तो कोई न जाए घर बने रहे लगातार हाई वोल्टेज मुकाबला चले पंकज वहां पर खराब टाइमिंग और एक रन आसानी से
इसी ओवर के बाद बचा हुआ स्कोर 13 रन। फिलहाल चले पंकज, सामने होंगे सनी। पंकज की एक गेंद और ठीक है, ये तर्रार गेंद और 104 रन का लक्ष्य और 80 रन के लिए कबले इसके। पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट, भारी किनारा, अच्छा क्षेत्र रक्षा विकेट के लिए पवन के द्वारा 13 रन। दो विकेट के नुकसान पे पेनोबाजी, दो ओवर 13 रन। इस ओवर में आए व्यक्ति आठ रनों का पूरा तो बंद किया था आरबीआई ने, सचिन को दिया गया है गेंदबाजी का भार। चले सचिन और वहां पे खराब शुरुआत, व्हाइट से शुरुआत, बचाव स्कोर 14 रन। ओवर द विकेट खेल दिया उसे, चुटा दिया सीधा मलपुरा के ध्यान और जब जल्दी गेंद खेली होती है दो रन आसानी में। और इन्हें दो रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 16 रन। अरविंद के बल्ले से ये शॉट, चले सचिन राइट आउट ओवर द विकेट, अच्छी गेंद अच्छा शॉट और पिछली गेंद के पीछे और जब तक गेंद फील होती है दो रन आसानी से बढ़ता है स्कोर 18 रन। तीसरा ओवर पर चले सचिन बोरा, अच्छी गेंद लाजवाब गेंद, खोलेंगे विकेट। फिलहाल कड़ा मुकाबला चलता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, व्हाइट कलर बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। खेल जाए से पॉइंट की तरफ और जब तक गेंद फील्ड होती है अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद और दो रन, इन्हें दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर फिलहाल अच्छी सचिन बोरा, फिलहाल थर्ड का बोरा उनके पास वाला खिलाड़ी सचिन बोरा खोलना चाहेंगे फिर बेटों का बोरा। फिलहाल चले सचिन अच्छी गेंद व्हाइट कलर, तो तीन अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए अतिरिक्त, चले सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट पर को सचिन बोरा पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। राजे सचिन अच्छी गेंद इस बार नीचे रहती, दूसरा पार के लिए चौथा सामने होंगे तो पंकज को दिया गया गेंदबाजी के बाद फिर से भारी किनारा खराब के प्रदर्शन और कितने रन ले पाएंगे जब तक रोल पार करेंगे खिलाड़ी दो रन के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। 25 रन माफ करना जबकि चौथा ओवर प्रगति अभी जाएगी पैनों घाटी घर तो पंकज की जबरदस्त गेंदबाजी जड़ाव खान में भी देखने को मिली थी और यहाँ भी अच्छी चौके वहां पे विनोद इसनोद और पटेले के खिलाड़ी को फिलहाल चले पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट और तीन गोल दूसरा झटका पंकज ने दिया है दूसरी सफलता। तो राजू भाई आ चुके हैं ढगल गांव की ओर से खेलते हैं। चले पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट सामने होंगे अच्छी गेंद खतरा क्या कहने पर पाएंगे लेकिन पंकज भाई को खेद नहीं दिखे आज पैरों गाड़ी फिलहाल चले पंकज भटके गए भारी किनारा अच्छा क्षेत्र रक्षा वहां पे पंकज के द्वारा इस बार सही प्रकार से दिखी गेंद तो क्या ठंडा पर को पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट कहीं पे गेंद कहीं पे निशाना व्हाइट करार दिया बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। आज का रन रे लेके चल रही है फिलहाल तो 4 रन बनाने होंगे जीत के लिए। साझेदारी इसी प्रकार के छटके देखने को मिले थे पटेलिया के लिए दोबारा कमलेश ने सुना दिया सीधा इस पहले चौपर से शरण चौकी छक्का 6 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 33 रन। अरविंद के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का 33 रन की समाप्ति से 33 रन
दो विकेट के नुकसान पे, चार ओवर 33 रन 2 विकेट उत्साह में न दिखे वहां पे, तो संभवतः हवा स्थान बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। पांचवा ओवर प्रगति पर जो ठंडवा पर गोबाज पंकज भदौरिया पे दिख रहा फिलहाल सचिन पट्टी गेंद फाइनल की तरफ खेल जाए थे और दोनों में आसानी से हो सकते हैं और चुनाए बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। तो कसम का भरा मुकाबला चले सचिन अच्छी रहती अच्छी की है इसी प्रकार की ठंड में तो काफी प्रतिष्ठानों घाटी तो परमेश्वर भाई लगातार जुड़े हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मनोरंजन का संचार सीरियल के द्वार गिरा चले सचिन बोरा अच्छी गेंद लगातार तो जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे सचिन के लगातार बीट के बल्लेबाजों को गेंदों का तो चले सचिन बोरा तो पैनो घाटी का स्कोर 5 ओवर के बाद 38 रन और 2 विकेट पंकज मेहंदोलिया दिगोली एस राजू और सोलह रन से शुरुआत परसों फरसाड़ी में मैन ऑफ द मैच पंकज अच्छी के व्हाइट करार बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन मैच फरसाड़ी लाजवाब गेंदबाजी 2 ओवर 1 मैडम 3 विकेट उसी प्रकार की गेंदबाजी करने होगी आज फिलहाल चले पंकज और क्लीन बोल्ड लगने वाला तीसरा झटका और जिस चीज के लिए जाने जाते हैं पंकज वही कार्य करते हुए लगातार चलो पंकज अच्छा सामान अच्छा चीज रहता तो अब 2-4 छक्के जरूर लगाने होंगे अच्छी अबे चूके अपने फॉलो थ्रू में और एक रन बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन अभी भी 64 रनों की आवश्यकता लेकिन कलंदर चले पंकज अच्छी गेंद आप अपने फॉलो थ्रू में अच्छा चेतन रक्षण और गेंद के लिए पंकज तो पंकजों की भरमार इस मुकाबले में बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन बात की जाए विपक्ष में भी पंकज 6 ओवर के बाद 41 रन तो जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक पटेला की ओर से बढ़ता हुआ 41 रन 3 विकेट का नुकसान कब ले लेफ्ट आर्म ओवर विकेट खराब शुरुआत 9 बॉल करार दिया 42 रन अरविंद तो कितना फायदा उठा पाएंगे अरविंद खेल दिया इसे और 2 रन जरूर लेना चाहेंगे लेकिन खतरा हो सकता है पंकज मोदलिया कभी मले फोड़ा दिया कभी तले फोड़ा दिया और 2 रन इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन लेफ्ट आर्म ओवर विकेट अच्छी गेंद सुरेंद्र भाई संभवतः प्रेशर कुकर में बना रहे चटल चाय तैयार लेकिन अच्छी गेंदबाजी कमलेश के द्वारा और व्हाइट बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन सात ओवर अभी लेग स्क्वायर की तरफ अभी भी बॉडी लाइन के अंदर यह छक्का अंपायर करने में 6 रन यदि 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन तो चले कमलेश अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट पट्टी गेंद खेल दिया इसे मिड ऑन की तरफ और एक रन आसानी से इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन अभी भी प्रगति पर तो मजा लेते हुए रविंदर भाई भी तो पूरा मजा लेते हुए फिलहाल चले कमलेश वहां में भारी किनारा और खराब क्षेत्र रक्षण लगातार ठंडा पर को और 1-2 में कन्वर्ट और इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 54 रन 6 ओवर 54 रन तो अब सॉरी 7 ओवर
सात ओवर 54 रन, 18 गेंदे 50 रन। तो बराबर में अभी फ्रेश की गेम बन सकते हैं, लेकिन दो चार छक्के जरूर लगाने होंगे। पंकज और खेल दिया मिडल की तरफ और संभवता 4 रन। ये 4 रन के साथ बता हुआ स्कोर 58। ओवर द विकेट काफी लंबा मिडल के ओवर का चुंबी छक्का पवन दे लंबा छक्का 64 रन। पंकज एक और छक्का जबरदस्त दूसरा छक्का बढ़ता है स्कोर 70 रन। तो अरविंद ने तो मैच में एक बार फिर से जान आते हुई जान फूंक दी अरविंद ने मैच में। तो पिछले ओवर वाला जवाब लेकिन इस गेम का पहला जवाब अरविंद के द्वारा लगातार 2 छक्के और भारी किनारा अच्छा अच्छी तरह स्थान एक आध छक्का और लग जाए तो मजा आ जाए 70 रन 8 ओवर प्रगति पर। तो चले पंकज और अच्छी गेंद इस बार तेज तर्रार। तो कसम कर भरा मुकाबला तो चट्टू लगता हुआ बार बार चाय रखे तैयार खेल जाए सीधे बल्ले से अलोक डगराव अंपायर का निर्णय 4 रन बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 74 रन 8 ओवर 74 रन। तो मात्र यहाँ से अब 30 रन जीत के लिए पेनो घाटी को 12 गेंदे 30 रन तो मैच रोमांचक होने वाला है। मुकाबले का रूप बदल देते हैं छोटा झटका 10 गेंदे 26 रन और भी तो पेनो घाटी को चाहिए 10 गेंद बस 10 बॉलों में 26 रन। देखते हैं कौन जीता है। उठा दिया है फिर से और संभावता बॉडी लाइन की तरफ 4 रन इसी 4 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 82 रन 9 गेंदे और 22 रन 9 गेंदे 22 रन चले विनोद अटकी गेंद 8 गेंदे 22 रन विनोद के द्वारा तो अभी भी मुकाबला खत्म नहीं 2 गेंदों में अगर एक बार बॉडी ले लेते हैं राहुल खेल ओवर खबर क्या कैच अभी भी बॉडी लाइन के अंदर गेंद और 2 रन इन्हीं 2 रनों के साथ बचा हुआ स्कोर 6 गेंदे 20 रन तो 6 गेंदे 20 रन अंतिम ओवर प्रगति पर। तो कमलेश को गेंदबाजी का भार दिया गया। शानदार बल्लेबाजी की थी कमलेश ने 80 रन शानदार अपनी पारी में। तो चले कमलेश लेता ओवर खराब शुरुआत भाई से शुरुआत तो 19 रन 19 रन 6 गेंदे 19 रन चैनल के माध्यम से परमिंदर रावत और उसके यूट्यूब चैनल राहुल यू के वाला यूट्यूब चैनल फिलहाल चले कमलेश और वहां पे भारी किनारा लेकिन मना किया 5 गेंदे 19 रन तो चले छुटा दिया सीधा लंबा हवाई फायर 6 रन तो और 13 रन क्या तो शानदार छक्का यहाँ पे अरविंद के बल्ले से। गेंदों में अरविंद क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकता आज भी फिलहाल चले कमलेश अच्छी गेंद और 3 गेंदे 13 रन कुछ भी कर सकता है फिलहाल चले कमलेश अच्छी गेंद चुका दिया सीधा 6 रन तो 2 गेंदे 7 रन तो मैच में रोमांच आ चुका है अभी बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी अरविंद के द्वारा जबरदस्त मुकाबला कल खेरी खान और थाना धुआं कोर के बीच में दिखाता हूँ 2 गेंदे 7 रन तो चले कमलेश
जीत गए और अब छक्का लगाना होगा बराबरी के लिए। एक बॉल सात रन देखने को मिलेगा। चीज में दिखाता तो पवन भाई भी उस मुकाबले में मौजूद। क्या दूसरा सुपर ओवर, क्या छक्का लगा पाएंगे और विजय। तो इसी के साथ पटेलिया ने यह मैच जीत लिया है 5-6 रन के। तो जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला। तो बहुत बहुत बधाई पटेलिया टीम को। लाजवाब मैच।